स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। आप भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। पूरे कमरे में सिर्फ आप ही का सामान फैला हुआ है। ये लड़के ना कभी इनसे अपना काम खुद क्यों नहीं होता? कभी माँ चाहिए इन्हें संभालने के लिए तो कभी बीवी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बीवी आके हमें संभाले तो क्या बुरा चाहते हैं? बस बस बहुत हो गया आपका रोमांस। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वर्षा आजकल तुम ना बहुत बोरिंग हो गई हो, कभी ये काम तो कभी वो काम। मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। इससे अच्छा तो हम लोग पहले थे, कभी कभी मिलते थे, लेकिन वो वक्त हमारा अपना होता था, किसी की दखल अंदाजी नहीं होती थी। वर्षा, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। कल संडे है ना, क्यों ना हम दोनों कल घूमने चलें? सिर्फ मैं और सिर्फ तुम। और घर के बड़े उनसे क्या कहेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? उन्हें बुरा नहीं लगेगा? अरे उन्हें बताने की क्या जरूरत है, तुम अपनी माँ के घर जाने का बहाना बनाकर निकल आना। पहले हम लोग तुम्हारी माँ से छिप छिप कर मिलते थे, आजकल मेरी माँ से छिप कर मिलना पड़ रहा है। चलो इसी बहाने हम लोग साथ में टाइम तो बिता लेंगे, वरना हर टाइम तुम घर के कामों में उलझी रहती हो। लेकिन झूठ बोल के। Everything is fair in love and war। और अगर प्यार के लिए एक झूठ बोल भी दिया तो क्या गलत किया? किसी का कुछ नुकसान तो नहीं किया ना? अच्छा शौर्य, आपको क्या लगता है, वो जहाँ हम एक दूसरे के साथ पल बिताते थे, एक दूसरे से छिप छिप के मिलना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, सब ठीक था? अरे इसमें गलत क्या था? अब देखो, अगर हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते तो एक दूसरे को कैसे पहचानते, और अगर पहचानते नहीं तो हमारी शादी कैसे होती? और फिर तुम ये कैसे डिसाइड कर पाती कि यही वो बुद्धू है जो तुम्हें पसंद है, और मैं ये कैसे डिसाइड करता कि यही वो लड़की है जिसके नाज नखरे मुझे जिंदगी भर उठाने हैं? ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो तुम? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? क्या इरादा क्या है तुम्हारा? कहीं मेरी ही बातों में मुझे ही फंसाने वाली तो नहीं हो तुम? हाँ, मुझे बातों में फंसाने की कोशिश करते। अरे भाभी माँ के पास कोई जादू की छड़ी है क्या, जिसे वो यूं घुमाएगी और सब ठीक हो जाएगा? पहले तो भाभी माँ को कुछ बताया नहीं, जो जी में आया किया। इतना बड़ा कदम उठाया, ना आगे सोचा ना पीछे, लड़की के घर वालों को झट से फोन भी कर दिया, और अब कह रहे कुछ तो कीजिए कुछ तो कीजिए। अरे मैं क्या करूंगी? झेलेगी छुट्टी दुल्हन अपने दादाजी का गुस्सा, जो किया है उसका परिणाम मुक्ति। भाभी माँ, मेरी प्यारी भाभी माँ, चल दूर हट, शर्म नहीं आती तुझे? इतना बड़ा हो गया फिर भी भाभी माँ के आंचल से बंधा है। कितना भी बड़ा हो जाऊं फिर भी आपके आंचल से कैसे अलग हो सकता हूँ? मुझे बना रहा है झूठ? मैं कभी झूठ बोलता हूँ? आप तो जानती है ना भाभी माँ। फिर झूठ पता सिखाएगा। ये ले, ले, खा ले। तुझे याद है जब तू छोटा था तो ये बत्तासे चुराने कैसे मेरे कमरे में घुस जाता था और ढेर सारे बत्तासे मुट्ठी में भर के पलंग के नीचे छिप जाता था? और आप हमेशा इस बात पे मेरे खान उमेड़ा करती थी। बच्चा समझ के हर कोई मुझ पे बहुत जुल्म करता था। वेरी बैड भाभी माँ, आपसे मैंने कभी कुछ नहीं कहा, नहीं तो मैं। अच्छा, मैं अब भी तेरे कान उमेट सकती हूँ, समझा? पर मेरे लिए तो तू मेरा मुन्ना ही रहेगा। लेकिन अब लगने लगा है मेरा मुन्ना बड़ा हो रहा है, सब लोग तेरे लिए दुल्हन खोजने लगे हैं।
आप भी भाभी माँ। देख, मैंने भी तेरी माँ को कह दिया है, मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। मेरे मुन्ना के लिए मैं खुद दुल्हन खोजूंगी, तेरी माँ की एक नहीं सुनूंगी। हाँ, थैंक गॉड भाभी माँ, मैं तो आपसे यही कहने आया था। सच बताऊं भाभी माँ, माँ की पसंद पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। एक आप ही तो है जिस पे मुझे पूरा ट्रस्ट है। आखिर मेरी जिंदगी का सवाल है, कहीं किसी गलत लड़की से शादी होगी तो जिंदगी भर फंस जाऊंगा मैं। अरे, ऐसे कैसे किसी भी लड़की के साथ शादी होगी? तेरी भाभी माँ है ना, लाखों में से ढूंढ के हीरे जैसी दुल्हन लाऊंगी मैं मेरे मुन्ना के लिए। लेकिन मुन्ना, एक बात बता, कल जो तुम लोग लड़की देखने गए थे वो तो ऐसी ही थी, कुछ खास नहीं थी भाभी। अच्छा, देखो तो। देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, नाक कैसे पकौड़े जैसी है, आंखें भी इतनी छोटी छोटी, चेहरा चेहरा तो ऐसा ही है भाभी माँ। आप ही बताइए, ऐसी बेबिल जोड़ी कहीं देखी है आपने? इतनी भी बुरी नहीं है मुन्ना, तुमने ध्यान से देखा है कि नहीं? कैसी बात कर रही भाभी माँ, चेहरा मोरा सुंदर है, नाक नक्शे तीखे है, तेरे बराबर की नहीं पर 19 तो है, ज्यादा फर्क नहीं। मुझे तो लगता है मुन्ना, तुम्हारी जोड़ी जम ही जाएगी, तुझे क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता। अरे, लेकिन क्यों बेटा, कोई कमी है क्या इसमें? कमी? भाभी माँ, मुझे तो लगता है गूंगी है ये। गूंगी? और क्या, मैंने कितनी कोशिश की बात करने की इससे, लेकिन उसके मुंह से तो कोई आवाज ही नहीं निकली, कोई बात ही नहीं की उसने मुझसे। ये भी तो हो सकता है कि एक अजनबी लड़के को सामने देखकर सहम गई होगी, और सबकी निगाहें भी तो उस पे होगी, ऐसे में लड़कियां घबरा जाती है। माँ भी ये कह रही थी, इसलिए तो मैं उससे एक बार और मिलना चाहता था, लेकिन उन्होंने तो साफ मना कर दिया भाभी माँ। अच्छा, वो कौन होती है मना करने वाली? मुन्ना, तू जरूर अक्षरा से मिलेगा, मैं तेरी माँ से बात करती हूँ। सुना तुमने छोटी दुल्हन? मुन्ना अक्षरा से मिलने जरूर जाएगा, मैं उन दोनों को मिलवा दूंगी। और देखना, खबरदार जो इसके बारे में दद्दाजी को कुछ पता चला तो। समझी रश्मि? समझी। लेकिन भाभी माँ, आपको भी चलना पड़ेगा मेरे साथ, आपकी हाँ के बिना मैं शादी के लिए राजी नहीं हूँगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।